क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो देखिए हम सर्वे को कितने तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, कितने तरीके से हम क्लासिफाइड करते हैं सर्वे को। तो सब्जेक्ट जो है हम लोग बेसिकली बेस्ड पे क्लासिफाई करते हैं कि फील्ड के बेस पे, ऑब्जेक्ट के बेस पे, ठीक है ना, इन सारे बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ फील्ड सर्वे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन किस पे हमारा, बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ फील्ड सर्वे। फील्ड से क्या मतलब है कि आप जब फील्ड में हो तो फील्ड तीन तरीके से हो सकता है भाई, या तो आपका लैंड हो, या फिर आपका वाटर, या फिर आपका एयर, है ना, आगे देखेंगे इसको डिटेल में। और सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट सर्वे, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका पर्पस क्या है सर्वे करने का, ठीक है ना। और तीसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो आपका है पहला जो आप दो क्लासिफिकेशन देख रहे हो, बहुत सारे बोर्ड में नहीं है वो क्लासिफिकेशन। जैसे मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में तो बेस्ड ऑन सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है सिर्फ पढ़ने के लिए, बाकी ऊपर के दो नहीं है। लेकिन आप फिर भी इसको पढ़ो क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। बाकी कुछ बोर्ड में वो दोनों भी पढ़ने के लिए, किसी किसी बोर्ड में तीनों ही पढ़ना है आपको क्लासिफिकेशन में, है ना। तो हम तीनों को ही कवर कर रहे हैं यहाँ पे, आपका एक पूरा तैयारी हो जाएगा सर्वे का, एक डिटेल तैयारी हो जाएगा आपका सर्वे का, ठीक है ना। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पे भी, कोई भी एग्जाम में आप फेस करने जाओगे आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप यहाँ से सर्वे पढ़ के जाते हो तो आप कोई भी SSC या इवन आप आगे कभी कुछ और एग्जाम दोगे कॉम्पिटेटिव का, आपको सब जगह क्वेश्चंस बन जाएंगे इजिली। आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए आप लोग। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ फील्ड सर्वे पे। तो बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ फील्ड सर्वे पे सर्वे को भी फर्दर तीन टाइप पे क्लासिफाइड किया गया है, लैंड सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। लैंड सर्वे अगर आप लैंड पे कोई सर्वे कर रहे हो, ठीक है ना। हाइड्रोग्राफिक सर्वे जब अगर आप पानी के अंदर कर रहे हो सर्वे, ठीक है। पानी के अंदर क्यों सर्वे करते हैं, मैंने आपको बताया था, सब सर्वे का इंट्रोडक्शन दिया, तो आगे इसमें और डिटेल में बात करेंगे जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे हम लोग करेंगे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे में बेसिकली जब हमको कोई जैसे कि कोई वाटर के अंदर पाइपलाइन लेकर के जानी हो, ठीक है। आजकल तो वाटर के अंदर ट्रेन भी ले जाया जा रहा है मुंबई में, पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। तो वहाँ पे भी सर्वे का यूज हुआ ही होगा, आपको पता है, जहाँ पे भी आप लैंडमेंट करते हो सर्वे तो आपको चाहिए चाहिए, करना ही पड़ता है। बहुत सारे जो तो आप सबमरीन्स का नाम सुने होंगे, सबमरीन चलाई जाती है वाटर के अंदर, ठीक है। पानी का जहाज चलता है, उनका अपना अपना रूट होता है, ठीक है, उसके लिए भी सर्वे किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी घुसेड़ दोगे कोई किसी का भी जहाज का, ठीक है ना, तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है। पानी के अंदर भी एक्सीडेंट होता है, रोड पे नहीं होता एक्सीडेंट। नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे दो तरीके से, अगर आप कोई रॉकेट को लॉन्च कर रहे हो, अगर आपको किसी ग्रह या फिर किसी स्टार के बारे में पता करना होता है, लोकेशंस आप बताते हो, ठीक है, तो उसके लिए भी एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करते हैं। जो जितने भी आपके प्लेन हैं उनके रूट को डिसाइड करती है कि कोई फ्लाइट अगर दिल्ली से कोलकाता जा रही है, दिल्ली से मुंबई जा रही है, दिल्ली से लखनऊ जा रही है, तो उनका रूट क्या होगा, ये सब भी वहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में हम लोग अगर हम देखें तो हमें कोई न्यू प्लेनेट या फिर कोई स्टार, इन सब के बारे में सर्वे किया जाता है। चलिए तो एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड सर्वे के बारे में, ठीक है। तो लैंड सर्वे क्या होता है देखते हैं इसका। सबसे पहला इसमें है आपका टोपोग्राफिकल सर्वे। लैंड सर्वे में सबसे पहला आपका क्या है, टोपोग्राफिकल सर्वे। तो टोपोग्राफिकल सर्वे का क्या मतलब है देखते हैं। अगेन इसमें क्या है दूसरा आपका, कैडेस्ट्रल सर्वे। तीसरा आपका कौन सा है, सिटी सर्वे। और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे। तो टोपोग्राफी का मीनिंग ये होता है कि नेचर में जो कुछ पहले से प्रेजेंट है अर्थ सरफेस पे, उन सबको हम क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी। जैसे रिवर, पॉन्ड, ठीक है, सी और जंगल, ठीक है, ये सब कुछ किस में आता है आपका, टोपोग्राफी में आता है। तो जब आप कुछ सर्वे कर रहे हो तो जिसमें आपका टोपोग्राफी कंसिडर होता है, दिस कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोकेशन ऑफ सर्टेन पॉइंट्स बाय लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट एंड इज मेड टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर्स। देखिए इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, द नेचुरल फीचर्स ऑफ कंट्री सच एज रिवर्स, स्ट्रीम्स, ठीक है, लेक्स, वुड्स, हिल्स, ETC एंड सच एज कुछ आर्टिफिशियल जैसे कि रोड, रेलवे, कैनाल, टाउन एंड विलेज। तो इन सब का जो हम सर्वे करते हैं, इस तरह के सर्वे को हम लोग क्या बोल देते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे कह देते हैं। इस तरह के सर्वे को हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे बोलते हैं, जिसमें आप क्या क्या कंसिडर करते हो, रिवर को, लेक को, स्ट्रीम को, हिल्स को, या फिर रेलवे आर्टिफिशियल में रेलवे वगैरह को कंसिडर करते हो। तो इस तरह का सर्वे को हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है ये क्या है, कैडेस्ट्रल सर्वे। तो कैडेस्ट्रल सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आप कैच कीजिएगा, हर एक क्लासिफिकेशन में एक वर्ड आपको कैच करके रखना है, तभी आप इतने सारे क्लासिफिकेशन को याद रख पाओगे, ठीक है ना। जैसे टोपोग्राफिकल सर्वे में आपको क्या कैच करना है, नेचुरल, नेचुरल जो भी आपका क्या है, फीचर्स है। नेचुरल फीचर्स में क्या क्या होता है, रिवर होता है, लेक होता है, ये सब कुछ नेचुरल फीचर्स में आता है।
इसी तरह से जब आप कैडेस्ट्रियल सर्वे पढ़ोगे तो वहां पे आपको एक वर्ड कैच करना है, क्या प्रॉपर्टी लाइन, क्या कैच करना है प्रॉपर्टी लाइन कैच करना है। तो जब आप किसी भी लैंड का सेल या परचेज करते हो तो वहां पे एक प्रॉपर्टी लाइन डिसाइड होती है ना, जैसे कभी आपने देखा होगा खतियान वगैरह, ठीक है, किसी के जमीन को, तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आपके ईस्ट में ये होंगे, वेस्ट में ये होंगे, नॉर्थ में इनका जमीन होगा, साउथ में इनका जमीन होगा, किस तरफ से रोड जा रहा होगा, ये सब कुछ प्रॉपर्टी लाइन में डिसाइड होता है, बताया जाता है आपको। जब आप सेल करते हो या परचेज करते हो तो सब कुछ लिखा जाता है डॉक्यूमेंट्स पे प्रॉपरली, जो भी आपका लैंड डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे आप लैंड का एरिया कैलकुलेट सब कुछ करते हो। इस इवन इफ जैसे कोई दो स्टेट है, ठीक है ना, तो दो स्टेट जैसे सपोज करो यूपी है, दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली का यूपी के साथ बॉर्डर लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे, जिसमें हम प्रॉपर्टी लाइन को फिक्स करते हैं कि कहाँ पे किसका बाउंड्रीज है, ठीक है ना, यहाँ पे किसका बाउंड्रीज है। इवन इफ म्यूनिसपैलिटीज होती है शहरों में, तो म्यूनिसपैलिटी भी अपनी बाउंड्री सेट करती है, जैसे कोई कानपुर का शहर हो, लखनऊ का शहर हो, दिल्ली का शहर हो, तो उनका एक बाउंड्री फिक्स है कि यहाँ तक हम कवर करेंगे, इसके बाद जो है वो ग्राम पंचायत में आएगा या नगर निकाय में आएगा या किसी भी उसमें आएगा। तो इन सब के लिए जो हम सर्वे करते हैं जिसमें हम प्रॉपर्टी लाइन को डिसाइड करते हैं, फिक्सिंग ऑफ प्रॉपर्टी लाइन्स, कैलकुलेशन ऑफ लैंड एरिया और द ट्रांसफर ऑफ लैंड प्रॉपर्टी। ट्रांसफर करने का मतलब जब आप सेल और परचेज करते हो लैंड प्रॉपर्टी फ्रॉम वन ओनर टू अनदर ओनर, एंड दे आर ऑल्सो मेड टू फिक्स द बाउंड्रीज ऑफ म्यूनिसपैलिटीज, म्यूनिसपैलिटीज की जो बाउंड्री फिक्स होती है ऑन ऑफ स्टेट एंड फेडरल ज्यूरिडिक्शंस, स्टेट एंड फेडरल ज्यूरिडिक्शन। स्टेट एंड फेडरल ज्यूरिडिक्शंस का मीनिंग आपको मैंने समझा दिया कि स्टेट भी अपनी बाउंड्री फिक्स करती है, तभी तो वो इजिली जो है आपका वर्क कर पाएगी। अगर सपोज करो कोई क्राइम हो गया, ठीक है ना, अगर बाउंड्री ही डिसाइड नहीं हो तो कहाँ की पुलिस जाएगी, बताओ। सपोज करो कि दिल्ली और आपके यूपी के बॉर्डर पे कोई क्राइम हो जाता है या कुछ ऐसा काम हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो जब वो प्रॉपर्टी लाइन डिसाइड नहीं होगी तो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस दोनों कंफ्यूज रहेगी, किसके ज्यूरिडिक्शन में क्या होता है पता ही नहीं चलेगा, इसलिए प्रॉपर्टी लाइन फिक्स किया जाता है। आप देखते हो ना कभी रोड पर चलते हो तो आपको लिखा दिखा बोर्ड पर दिखा हुआ दिखता है कि यहाँ पे कोई भी एक्स वाई जेड जिला का सीमा समाप्त होती है, दिखता है ना, जैसे आप लखनऊ से निकलते हो बाई रोड कानपुर के लिए, तो आपको एक पॉइंट आएगा जहाँ पे दिखेगा कि यहाँ से लखनऊ का जिला का सीमा समाप्त होता है, ठीक है, या फिर दूसरे जिले का सीमा स्टार्ट होता है, ये लिखा हुआ आपको मिलता है। तो ये क्या होता है, ज्यूरिडिक्शन लाइन होता है, यहाँ से आपका दूसरे के ज्यूरिडिक्शन सेक्शन में आप चले जाते हो, ठीक है। तो कैडेस्ट्रल सर्वे का मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं सिटी सर्वेइंग का। तो देखिए सिटी सर्वे, सिटी कोई भी सिटी है उसमें आपका क्या होता है, पाइप का कनेक्शन होता है, वाटर सप्लाई का कनेक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है, ठीक है, सीवर का कनेक्शन होता है, सीवर लाइन जो होता है आपका, जो सीवेज लाइन होता है उसकी कनेक्शन की जाती है। तो उन सब के लिए क्या करना पड़ता है, हमको सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे अगर आप नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल, तो आपको अभी आप जब आगे देखो, मैं आपको बोला था ना कि सर्वे का यूज हर जगह आता है। जब आप इन्वायरमेंट पढ़ोगे अभी आप आने वाले सेमेस्टर्स में, जब इन्वायरमेंट पढ़ोगे आप वहाँ पे, तो आप वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ वाटर पढ़ना होता है, एक टॉपिक है वहाँ पे, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ करना होगा। किसी भी शहर में पाइपलाइन डाली जाती है, जैसे जल निगम है ना, वो क्या काम करती है, आपके घरों तक पाइपलाइन डालने का काम करती है। तो उसमें अलग अलग, जैसे डेड इन सिस्टम होता है, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होते हैं, तो उसमें पहले उनको सर्वे करना पड़ता है कि किस तरह का सिटी है और किस तरीके से हमको पाइपलाइन डालना है ताकि सबके घरों तक पानी चली जाए, है ना, इजिली सबको प्रॉपर प्रेशर मिले पानी का, है ना, पता चला किसी के यहाँ टंकी भर जाती है, किसी के यहाँ दो बूंद पानी भी नहीं निकलती है। तो अगर आप सर्वे ढंग से नहीं करके पाइपलाइन बिछाओगे तो दिक्कतें आएगी, ठीक है। सेम सीवेज का है प्रॉब्लम होता है, सीवेज लाइन बनाने के लिए आप देखो, सीवर लाइन जब आप डालते हो, जब आप सीवर लाइन डालते हो, सपोज करो किसी सिटी का नॉर्थ सेक्टर जो है वो हाइट पे है, यानी कि ऊंचाई पे है, और जो आपका साउथ सेक्टर है वो थोड़ा सा डाउन लेवल पे है। अगर आपने सीवेज डाल दिया और बिना सर्वे किए डाल दिया, और आपने क्या काम किया कि साउथ से नॉर्थ की तरफ वाटर को फ्लो करा दिया, आप बताओ कहीं वाटर जाएगा इजली, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि नॉर्थ तो हाई पे है और साउथ जो आपका डाउन पे है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सर्वे करना पड़ता है, कि आपको पहले ये पता करना पड़ता है कि कौन सा सेक्टर नॉर्थ या साउथ में से कौन सा लेवल जो है हाई है या डाउन पे है। तो उसके लिए जो हम सर्वे करते हैं सिटी के लिए, इसमें हमको क्या करना होता है, द कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट्स, रोड बनाने के लिए, वाटर सप्लाई, ठीक है, सिस्टम एंड सीवर सिस्टम एंड अदर वर्क्स के लिए। तो इन सब के लिए जो हम सर्वे करते हैं, दैट सर्वे इज नोन एज सिटी सर्वे। इस सर्वे को हम लोग क्या बोलते हैं, सिटी सर्वे बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हमारा जो दूसरा क्लासिफिकेशन था, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या था, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें
किस चीज के लिए सर्वे करना है, हमारी जरूरतें क्या है, ठीक है ना। जब आप अपने काम के हिसाब से, मतलब आप अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से सर्वे करते हो, तो उस हिसाब सर्वे को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट, उस तरह क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। तो इसमें पहला जो होता है हमारा इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे कहने का मतलब जब कोई भी आप जो है इंजीनियरिंग वर्क करने के लिए आप सर्वे कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंजीनियरिंग सर्वे। मिलिट्री सर्वे, मिलिट्री होती है हर एक कंट्री की अपनी अपनी, वो अपने क्या है, अपने स्ट्रेटजिकल पॉइंट के हिसाब से, स्ट्रेटजिकल पॉइंट कहने का मतलब अपने रणनीति के हिसाब से जो है सर्वे करवाती है कि हम किस पोजीशन पे अपना बंकर्स बनाएं, किस पोजीशन पे हम अपना एयर स्ट्रिप बनाएं, जिससे कि हमको जब कोई हमारे कंट्री पे हमला कर दे या कोई दूसरे कंट्री पे हमको हमला करना हो तो हमको हेल्प मिले, ठीक है। सपोज करो कि मिलिट्री है, ठीक है, तो मिलिट्री कहाँ पे अपना बेस बनाना चाहेगी, जहाँ पे जो बाउंड्री लगती है किसी कंट्री से, वहीं ना। अब यूपी का नेपाल के अलावा किसी से बाउंड्री नहीं लगता, ठीक है, या फिर अगर आप एमपी को ले लो फॉर एग्जांपल, एमपी का किसी कंट्री से बाउंड्री नहीं लगता है, तो क्या एमपी में बंकर बनाना जायज है? बिल्कुल नहीं। क्या मिलिट्री को एमपी में बंकर बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। क्या फ़ायदा वहाँ पर बंकर बना करके, वहाँ पर थोड़ी आएगी कोई स्टेट वाला, कोई दूसरे कंट्री वाला आप पे हमला करने के लिए। आपको बंकर कहाँ जरूरत पड़ेगी? आपको पंजाब में जरूरत पड़ेगी, आपको राजस्थान में जरूरत पड़ेगी, आपको जम्मू कश्मीर में जरूरत पड़ेगी, आपको त्रिपुरा में जरूरत पड़ेगी, आपको नॉर्थ ईस्ट के और भी काफ़ी स्टेट्स हैं वहाँ पे जरूरत पड़ेगी, आपको उत्तराखंड में जरूरत पड़ेगी, आपको हिमाचल में जरूरत पड़ेगी, आपको लद्दाख में जरूरत पड़ेगी, है ना। जहाँ पे आपको स्ट्रेटजिकल पॉइंट के हिसाब से, मिलिट्री क्या करती है, अपने स्ट्रेटजिकल पॉइंट के हिसाब से बाउंड्री को डिसाइड करते सर्वे करवाती है, ना कि उसको फायदा मिले, ताकि उसको क्या मिले, फायदा मिले। जब कभी ऐसा एडवर्स सिचुएशन आए, कोई कंट्री हमला ही कर दे बाय द वे, तो उस केस में उसको बेनिफिट मिले, है ना। अब फिर ये भी देखती है कि हम अगर अपोजिट कंट्री हम पे हमला करेगी, कोई भी कंट्री जब किसी दूसरे कंट्री पे हमला करती है, तो सबसे पहले उसके स्ट्रेटजिकल पॉइंट को समाप्त करने की कोशिश करती है, उसके रोड को खराब करने की कोशिश करेगी, उसके एयर स्ट्रिप को उड़ाने की कोशिश करती है, ताकि आप पूरे तरीके से हावी ना हो पाए, ठीक है। तो इन सब के लिए जो सर्वे होता है वो मिलिट्री करवाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिलिट्री सर्वे। अगेन हमारा तीसरा जो है वो है माइन सर्वे, जिसमें माइनिंग वर्क करने के लिए, जैसे आपको कहीं से कोयला निकालना है, सोना निकालना है, हीरा निकालना है, ठीक है, बहुत सारे तांबा का निकालना है आपको, ठीक है ना, बहुत सारे धातु निकाले जाते हैं माइन एक्सप्लोरेशन करके, लोहा निकालना है, एल्यूमिनियम निकालनी हो, तो जो माइन सर्वे है वो कहाँ पे हेल्प करता है, जब माइनिंग का वर्क आप कर रहे होते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे ये किस लिए करवाती है बताइए? तो इसमें जब जियोलॉजिकल पर्पज के हिसाब से सर्वे किया जाता हो। नेक्स्ट आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे, बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हैं देश में, ठीक है, बहुत सारा किला है, जैसे हाल फिलहाल बहुत दिनों के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला, ठीक है, आजकल एक न्यूज़ में आप लोग पढ़ रहे होंगे, आपके यूपी में एक बागपत में एक जगह है सिंघौली करके कुछ जगह है, जहाँ पे कुछ सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य मिला है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हैं, राजस्थान में आपको बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हैं, तो इन सब के लिए क्या करती है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सर्वे करते रहते हैं कि हिस्ट्री में किस किस पॉइंट पे क्या कुछ हुआ होगा, वो एक अजम्पशन के हिसाब से, और वहाँ पे वो सर्वे करती है, उसी हिसाब से फिर वो खुदाई करती है, और खुदाई करके देखती है तो उनको कहीं पे सफलता मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। जैसे कि हाल फिलहाल अभी बागपत में सफलता मिला उनको, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पर बहुत सारी चीज़ें मिला, सोचो वो जमीन के अंदर सब कुछ धंसा हुआ था, अब उसको वहाँ पर खुदाई करके बाहर निकाला गया, तो हमको दूसरे सभ्यता, अपने प्रीवियस सभ्यता के बारे में पता करना पता होता है, उसके लिए हम सर्वे करते हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उस सर्वे को करवाती है। चलिए अभी क्या करके इनका जल्दी से डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो इंजीनियरिंग सर्वे किस लिए करते हैं हम लोग, हमने बेसिक ओवर भी आपको दे दिया था। दिस इज जनरली टेकन फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ क्वांटिटीज और टू कलेक्ट सफिशियंट डाटा फॉर द डिजाइनिंग ऑफ इंजीनियरिंग वर्क सच एज रोड्स, रिजर्वायर्स और दोज कनेक्टेड विद सीवेज डिस्पोजल वाटर सप्लाई, ठीक है। जब कभी भी आपको रोड्स बनानी हो, रिजर्वायर बनाना हो, या फिर सीवेज डिस्पोजल, इन सब सब के लिए जब सर्वे कर रहे होते हैं, तो आप उसको क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे बोलते हैं। नेक्स्ट मिलिट्री सर्वे मैंने आपको समझाई दिया, दिस इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस। स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के लिए जो सर्वे करवाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिलिट्री सर्वे बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका माइन सर्वे, दिस किल्स के होता है, दिस इज यूज फॉर द एक्सप्लोरिंग मिनरल्स वैल्यू, दिस इज यूज फॉर द एक्सप्लोरिंग मिनरल्स वेल्थ, जहाँ पे आपको मिनरल्स निकालना हो उसके लिए जो हम सर्वे करते हैं, दैट इज द माइन सर्वे। नेक्स्ट जियोलॉजिकल सर्वे, तो जियोलॉजिकल सर्वे क्या है, दिस इज यूज फॉर द डिटरमाइनिंग डिफरेंट स्ट्राटा इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ का जो अर्थ क्रस्ट है आपका, जो अर्थ का सर्फेस है,
उसके हर जगह जैसे सॉयल वॉयल पता करना होता है हमको, कहाँ पे कौन सी सॉयल निकल रही है, कहाँ पे सॉयल के बिहेवियर में चेंजिंग आ रहा है, इन सब के लिए हम करते हैं, दैट इज द जियोलॉजिकल सर्वे। जैसा कि मैंने आपको बताया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हम किस लिए करते हैं, जब हमें कोई इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स या एंटिक्स कुछ पता करना हो तो उसके लिए जो हम करते हैं सर्वे जो करते हैं दैट इज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे। दिस इज द यूज फॉर द अनअर्थिंग रिलिक्स ऑफ एंटीक्विटी। एंटीक्विटी मतलब कोई मूल्यवान चीज, ठीक है ना, जैसे किसी सभ्यता के बारे में हमको पता करना है। आप सबको पता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला, कैसे पता चला, सर्वे हुआ, खुदाई की गई, उसके बाद ही तो पता चला हमें, है ना। तो इस तरह के सर्वे जिसके लिए आर्कियोलॉजिकल चीजों को निकाला जाता है उससे, जिसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं हम लोग, बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट, बेस्ड ऑन द सर्विंग इंस्ट्रूमेंट। तो आपको इसमें जितने भी नाम दिख रहे हैं बच्चों, ये सबके सब हम लोग अभी आगे चैप्टर में पढ़ने भी वाले हैं इन सबको, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्विंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें जो जिस भी सर्विंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम जब सर्वे करते हैं, जिस तरह का क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्विंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो सबसे पहला हम लोग करते हैं सर्वे, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से करते हैं, दैट इज द चेन सर्वे। तो चेन सर्वे में हम बेसिकली क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद कौन सा है, कंपास, इसमें हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, कंपास का उपयोग करने वाले हैं सर्वे करने के लिए। उसके बाद क्या, लेबलिंग, इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। देन थेडोलाइट, ठीक है, इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, थेडोलाइट का यूज करेंगे। टैकोमीटर, इसमें हम लोग टैकोमीटर का यूज करेंगे। इसी तरह से ट्रैवर्स, में ट्रैवर्स का यूज करने वाले हैं। प्लेन टेबल एंड फोटोग्रामेट्री। तो इन सबको हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे अभी आने वाले क्लासेज में, इन सबके बारे में कि जब जितने भी आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं इन सारे ही इंस्ट्रूमेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेन सर्विंग का। तो चेन सर्विंग क्या है, दिस इज इंस्ट्रूमेंट ओनली यूज फॉर लीनियर मेजरमेंट। ये किसके लिए यूज किया जाता है, लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। इट कैन डन विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप्स, टेप्स जो आपके घर में होता है मेजरमेंट टेप्स, उसके हेल्प से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपास सर्वेइंग, ठीक है। तो कंपास सर्वेइंग, तो कंपास सर्वेइंग दिस इज यूज फॉर द ट्रायंगुलर मेजरमेंट। अगर हम कोई ट्रायंगुलर मेजरमेंट करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपास सर्वेइंग करते हैं। इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं। नेक्स्ट लेबलिंग सर्वेइंग, तो लेबलिंग सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ रिलेटिव एलिवेशन ऑफ वेरियस पॉइंट इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अगर कोई हमें वर्टिकल प्लेन में किसी चीज का सर्वे करना, जैसे सपोज करो आप ग्राउंड पे हो, किसी बिल्डिंग की हाइट आपको पता करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका थेडोलाइट है। थेडोलाइट जैसा आप सबको पता है, इट इज यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल एज वेल वर्टिकल एंगल। इससे आप हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ साथ वर्टिकल एंगल, दोनों ही एंगल आप इजिली इससे फाइंड आउट कर लेते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थेडोलाइट, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको डिटेल में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टैकोमीटर, तो इट इज यूज फॉर द हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसमें तीनों ही काम हो जाता है आपका, हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर हो जाता है, वर्टिकल एंगल भी मेजर हो जाता है एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजर हो जाता है। नेक्स्ट आपका ट्रेवर्स, तो ट्रेवर्स ये भी एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। ये आप प्लान इस सब ध्यान रखिएगा, यही पूछा जाता है डायरेक्ट एग्जाम में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। ट्रेवर्स का यूज कहाँ करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल को फाइंड आउट करने के लिए। प्लेन टेबल सर्वे, ये मैप बनाने के लिए, जब हमको फील्ड पे ही मैप प्रिपेयर करना होता है तो उसके लिए जो हम सर्वे करते हैं दैट इज द प्लेन टेबल सर्वे, और ये फॉर लीनियर मेजरमेंट, ठीक है। पर इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि इसकी एक्यूरेसी जो होती है बहुत ही कम होती है, क्योंकि अगर आप ग्राउंड पे, सिंपल सी बात है, आप ग्राउंड पे अगर कोई प्लान या मैप बनाओगे तो वहां पे आप कितनी एक्यूरेसी तो मिलेगी नहीं। लास्ट है आपका फोटोग्रामेट्री, तो इसमें हम लोग विद द हेल्प ऑफ, जैसे कि आजकल आप GPS का यूज करते हो, GIS का यूज करते हो, हर के आपके फोन में होगा ना GPS होगा, ठीक है। तो GPS के लिए या फिर कोई वेजिटेशन जहाँ पे हम जा करके सर्वे नहीं कर सकते हैं, है ना, जहाँ पे हम खुद जा करके सर्वे नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम लोग एरियल सर्वे कराते हैं, वहाँ से उसका फोटोज फाइंड आउट करते हैं और फोटो के हेल्प से हम लोग उसका सर्वे करते हैं, दैट इज द फोटोग्रामेट्री।